कांग्रेसियों के हर कृत्य की पोल खुद कांग्रेसी ही खोल देते हैं। आजकल ये जिम्मा मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया और पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके सिपह सालारों ने उठा रखा है। पहले खुद कमलनाथ भारत जोड़ो यात्रा की पोल खोलते हुए बुजुर्ग नेताओं पर पदयात्रा में कई किलोमीटर चलाने के भारी दबाव की बात कह रहे थे। फिर उनके बेटे नकुल नाथ ने यात्रा की कलाई खोलते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा भीड़ तो उनकी रैली में होती है। और अब कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी बुरी तरह से फंस चुके हैं। दिल्ली की एक अदालत ने उर्वरक घोटाला और रिश्वत के रूप में 685 करोड़ रुपए के भुगतान से जुड़े धन शोधन के एक मामले में रतुल पुरी को तलब किया। पुरी कथित उर्वरक घोटाला और 685 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। स्पेशल जज विकास ठुल ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए पुरी को तलब किया और 18 जनवरी से पहले कोर्ट में पेश होने को कहा। जज ने ईडी के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा की दलीलों पर गौर करते हुए आदेश पारित किया कि प्रथम दृष्टया इस मामले में पुरी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। मजे की बात यह है कि पुरी अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाला मामले और मोजर बियर घोटाले में भी आरोपी हैं। फिलहाल दोनों ही मामलों में वे जमानत पर हैं। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने पूरे मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए पुरी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा की दलीलों पर गौर करते हुए आदेश पारित किया कि प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में पुरी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। पुरी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में और मोजर बियर घोटाले से जुड़े मामलों में भी आरोपी हैं। फिलहाल दोनों घोटालों से जुड़े मामलों में जमानत पर हैं। ईडी ने बताया कि उर्वरक घोटाले में आरजेडी के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह और इफको के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूएस अवस्थी भी शामिल हैं। मामला 2007 से 14 के बीच अवस्थी इंडियन पोटाश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पीएस गहलोत और अन्य विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को कथित तौर पर रिश्वत के रूप में दिए गए 685 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान से संबंधित है। ईडी के अनुसार इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफको एक बहुराज्यीय किसान सहकारी समिति है, जबकि आईपीएल उसकी एक कंपनी है जो उर्वरकों की आपूर्ति करती है। सरकार दरों को किफायती रखने के लिए उसे सब्सिडी प्रदान करती है। बहरहाल कमलनाथ और उनके सिपह सालार खुद ही कांग्रेस को बेनकाब कर रहे हैं और विपक्ष को हमला करने का मौका भी खूब दे रहे हैं।